त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौसल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहां आज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें थी और उसके बाहर गहरी खाई। दीवार पर सैकड़ों शतरंगियां तोपें रखी थी। सहस्रों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ा गृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजा हित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राजसुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी न थी, पर उन्हें एक डैक था। उनको कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सुनासा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दहकी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहित से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋष्यशृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। यह राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋष्यशृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋष्यशृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा गया। एक वर्ष बाद घोड़ा लौटकर आया, तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली, तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऋष्यशृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराए। खीर लेकर राजा ने उसे सर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख लिया, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्रीराम ने जन्म लिया। इसी तिथि पर हम आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मंझली रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। रखा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाइयां गाने लगी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खाने खेलने लगे। चरों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ। चरों भाई जब अयोध्या की गलतियों में खेलने निकलते, तब उन्हें देखकर ठगे से रह जाते। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता, वह देखता ही रह जाता।